श्रीमती मीनाक्षी लखवी। बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। उपाध्यक्ष महोदय, जहाँ तक पीने के पानी और शौचालय का संबंध है, वो सीधे तौर पर किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। अगर दिल्ली का हम विषय लें, क्योंकि मैं दिल्ली से आती हूँ, तो दिल्ली के आंकड़ों के मुताबिक तकरीबन 10.5% जो जनसंख्या है वो खुले में शौच के लिए जाती है, और दिल्ली की जो पानी की जरूरत है वो 1500 मिलियन गैलन्स प्रति दिन की है, जिसमें केवल 818 मिलियन गैलन जो है पानी वो दिल्ली अपना बनाती है, और बाकी पानी जो है वो बाहर से आता है। और इस कमी को पूरा करने के लिए जो पानी के टैंकर्स हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है, और दिल्ली जल बोर्ड ने 3 प्राइवेट एजेंसीज को ये काम दिया हुआ है। दिल्ली में जो पानी के पाइप वाटर की सप्लाई है वो तकरीबन 49% के आसपास जो है ग्रामीण इलाकों में है, और 81% के आसपास शहरी इलाकों में है। यहाँ पर 10.5% ऐसे घर हैं जहां पर कोई भी शौचालय नहीं है, कहीं पर शौचालय बिना पानी के हैं और कुछ शौचालयों में पानी नहीं है। दिल्ली की कोई रिपोर्ट हमें प्राप्त नहीं हुई जहां पर पैसों के आधार पर या वाकई जो काम हुआ हो उसकी कोई रिपोर्ट बनी हो, और उसका कारण है कि निर्मल भारत अभियान के तहत दिल्ली को बाहर रखा गया था, क्योंकि निर्मल भारत अभियान केवल ग्रामीण इलाकों पर लागू होता था। और ऐसे में जो अब भारत सरकार का कदम है, जिसमें स्वच्छ भारत अभियान है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन का, वो उसमें लागू हो रहा है, और इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि जो शौचालय की समस्या है वो केवल ग्रामीण इलाकों की नहीं है, बल्कि वो बहुत भारी मात्रा में शहरी इलाकों की समस्या है। और तकरीबन 19.58% ऐसे लोग हैं 2001 के सेंसस के मुताबिक जिनके पास शौचालय उपलब्ध नहीं है। दिल्ली में पानी से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं उसमें वायरल हेपेटाइटिस, डायरिया, टाइफॉइड, ये सब बीमारियां हैं। और चाइल्ड राइट एंड यू क्राई की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 52% झुग्गी बस्ती में रहने वाले बच्चे खुले में शौच के लिए जाते हैं, और ये एक बहुत ही शर्म का विषय है। जागोरी एक महिलाओं का ग्रुप है जिसकी स्टडी के मुताबिक 2013 में जो उनका इलाका था जिसमें उन्होंने काम किया वो बवाना और भिलसवा था, जहां पर पाया मात्र 40 रुपया प्रति व्यक्ति जो है खर्च करती है पानी के ऊपर, और 110 रुपया प्रति व्यक्ति जो है स्वच्छता के ऊपर, शौचालय के ऊपर, सैनिटेशन पर। और जो रिलेटेड उससे कमी आती है, जो लोगों में लो इनकम आती है, वो 3052 रुपया प्रति महिला के रूप में आती है। इससे संबंधित जो सबसे बड़ा नुकसान है, जो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी सामने रखा, कि बच्चों के जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें कमी, जो है उसकी पढ़ाई में कमी, खास तौर पे जो एडोलेसेंट लड़कियां हैं वो एक उम्र के बाद जहां पर शौचालय नहीं है वहां नहीं जाने की वजह से गायनोकोलॉजिकल और तमाम तरीके के इन्फेक्शंस उनको होते हैं। हाथ धोना, भोजन में स्वच्छता, और जो कि इस बार यूएन का भी एक WHO की तरफ से है कि भोजन की स्वच्छता हो, और घरों में स्वच्छता के कारण आप डायरिया कम कर सकते हैं 1/3 तक। और सेफ जो तरीका है जिसमें आप शौच को प्रबंध करें तो उससे 37% तक का बीमारी को रोक सकते हैं। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहती हूँ इस सब काम के लिए मंत्रालय को, जिन्होंने 1000 करोड़ रुपए का बजट दिया अर्बन सैनिटेशन के लिए, क्योंकि एक निग्लेक्टेड एरिया था। और इन फंड्स में से एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो राज्यों को दिया गया, और दिल्ली की नजर से अगर देखा जाए तो पानी और शौचालय उपलब्ध कराने के लिए खास तौर पर एक नोडल एजेंसी है दिल्ली जल बोर्ड, और उसका जो ज्यूरिसडिक्शन है वो राज्य सरकार के हाथ में, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और उसमें जो दिक्कतें आती हैं सबसे ज्यादा, वो दिक्कतें दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। मैं
धन्यवाद देना चाहती हूँ मंत्रालय को कि उन्होंने ग्रामीण पीने के ग्रामीण इलाकों में पानी के पीने के पानी को उपलब्ध कराने के लिए भी अलग स्कीम लाई है जो कि अर्बन सेंटर्स के लिए भी लाए हैं, तो इसलिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। खास तौर पे जो एक दिल्ली जैसे शहर है जो डेंसली पॉपुलेटेड है, यहाँ पर गर्मियों के दौरान बहुत बड़ी पानी पीने के पानी की समस्या रहती है। 250 टैंकर मात्र उपलब्ध कराने से काम नहीं चलेगा और सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 2013 में 24.8% घर ऐसे जहां पर पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। दिल्ली के कई जल बोर्ड के अफसरों के खिलाफ केस भी दर्ज हुए, कोर्ट ने उनको अलग अलग समय पर डांट फटकार भी लगाई, कुछ को जेल भेजने तक की नौबत भी आई, लेकिन कम दाम पर लोगों को पानी मिल सके इसके लिए अभी भी सरकार ने कोई कारगर कदम नहीं उठाया है, बल्कि पैसे को सब्सिडी के रूप में बांटने की कोशिश की है। जो पैसा पाइप्ड वाटर सप्लाई पर लगना चाहिए था कि लोगों को जहां पर पानी के पाइप नहीं है वहां पाइप उपलब्ध कराए जाएं, जहां पर सैनिटेशन के लिए पानी की कमी है वहां पर जो डेफिकेटेड पानी है और खराब पानी है वो स्टॉर्म वाटर पाइप्स में जाता है, और स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स में जब वो पानी जाता है तो वो यमुना को भी प्रदूषित करता है, पानी की उपलब्धि भी कम करता है, और जिस तरीके से पानी का मैनेजमेंट या इस्तेमाल होना चाहिए उस पर कोई काम नहीं किया गया। आईआईटी दिल्ली द्वारा एक प्रोजेक्ट किया गया 2013 में, लेकिन उसमें डीसिल्टिंग जैसे कामों पर भी काम नहीं हुआ, तो जब बारिश आती है तो वाटर लॉगिंग होती है, जिस पानी को हार्वेस्ट किया जाना चाहिए उसके हार्वेस्ट के प्लान नहीं है, स्वेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होने चाहिए उस पर भी काम नहीं है, और स्वच्छता के लिहाज से कोई काम नहीं है। ऐसे में मैं चाहूंगी कि केंद्र सरकार किसी तरीके से राज्य सरकार को मजबूर करे कि इन सब कामों पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि जब तक इस व्यवस्था को ठीक नहीं किया जाएगा तब तक हम ना तो पेयजल की व्यवस्था कर पाएंगे और ना ही शौचालयों में पानी की व्यवस्था कर पाएंगे। इस सब के लिए एक सिस्टमिक तरीके से काम करने की आवश्यकता है। मात्र पैसा देना काफी नहीं है अपने आप में, क्योंकि पैसों का खर्च कैसे होना है उसका भी प्रबंधन की आवश्यकता है, और अगर कोई राज्य सरकार उस प्रबंधन में गलती कर रही है तो उस प्रबंधन को लेकर केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। 600 करोड़ रुपया पिछले बजट में भी दिया गया था, लेकिन आज तक उस एलोकेशन का कोई हिसाब हमें नहीं मिला, और उस हिसाब को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो मेरा आग्रह रहेगा केंद्र सरकार से कि इस विषय को लेकर प्रबंधन के नजरिए से काम किया जाए, और वाटर टेबल जो दिल्ली में कम होती जा रही है उस पर ध्यान दिया जाए, वाटर लीकेज जो हो रही है पाइप्स में ड्रेन्स में उस पर भी काम किया जाए, और उसकी अगर उस पर काम नहीं किया और उस पे काम नहीं करने की वजह से आप भले ही कितना बजट दे दें वो बजट पानी की तरह बहता रहेगा, और अगर उसकी रोकथाम करनी है सही प्रबंधन करना है तो आपको पॉलिसी के माध्यम से इस पर काम करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।